मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 10,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने प्रदेश कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोषी पाए गए हैं और अदालत ने उन्हें 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही उन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें संवैधानिक पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल सरकार झूठ की इमारत पर खड़ी है, भ्रष्टाचार में डूबी है, लेकिन भाजपा उनके सारे झूठे आरोपों का पर्दाफाश करती रही है। केजरीवाल सरकार के ऊपर 2000 करोड़ के आरोप की शिकायत लोकायुक्त में की गई है। हाल ही में स्कूल में बच्चों के ऊपर पंखा गिरने के मामले में सिसोदिया ने स्कूल में मीडिया के जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें मामले के पर्दाफाश होने का डर लग रहा था। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा, पंजाब केसरी दिल्ली।